प्रदेश में अब तक 3,491 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,916 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। वहीं 1,620 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो प्रदेश के लिए राहत की खबर है। साथ ही एक और अच्छी खबर सामने आई है, वो है कि ICMR ने जयपुर के बाद जोधपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज को भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने के ट्रायल की अनुमति दे दी है। ऐसे में अब प्रदेश में 2 सरकारी और 1 निजी चिकित्सा संस्थानों में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना पॉजिटिवों का इलाज करवाया जा सकेगा, जिसको लेकर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतरीन चिकित्सकीय प्रबंधन, सुविधाओं और चिकित्सकों की मेहनत से मरीज तेजी से रिकवर हो रहे हैं। इसी के साथ मंत्री ने बताया कि जयपुरिया के कोरोना मरीजों को RUHS और निम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। SMS अस्पताल के मरीजों को अन्य जगह पर शिफ्ट करने की योजना के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ताकि सामान्य बीमारियों के लिए अस्पताल का इस्तेमाल किया जा सके और उन्हें यहां सभी सुविधाएं पहले की तरह मिलती रहे। ट्रायल की परमिशन दी है ICMR ने, तो राजस्थान में सरकारी क्षेत्र का तो ये दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा और टोटल जो प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा शुरू हुई वो 3 जगह हो गई। हमने मेडिकल कॉलेज कोटा को, बीकानेर को, अजमेर को और उदयपुर को भी कहा है कि वो भी ICMR से इसकी स्वीकृति लेवें ट्रायल की, ताकि ज्यादा जगह पे प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा हम डेवलप कर सके। राजस्थान में कुल इसमें से रिकवर हो गए हैं, जो कि शानदार परसेंटेज है रिकवरी का। राजस्थान में दिन प्रतिदिन रिकवरी तेजी से हो रही है और ये शुभ संकेत है कोरोना पर हमारी विजय प्राप्त करने की दिशा में। हम लोग जो सामान्य बीमारियों के लिए जयपुरी अस्पताल में सोमवार से एक भी कोविड पेशेंट नहीं रहेगा, वहां सिर्फ सामान्य बीमारी का इलाज होगा। हमने अभी निम्स में और RUHS में 2 जगह पे कोविड के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट का काम किया है। हालांकि OPD चरक भवन में अभी चल रही है और SMS में भी अभी सिर्फ 179 कोविड पेशेंट्स हैं। अभी उनमें से 94 तो संदिग्ध हैं और बाकी पॉजिटिव केसेस हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर वहां ज्यादा संख्या नहीं है तो वहां के वार्डों को भी डिसइंफेक्ट करके और वहां भी इस पर विचार करने के लिए मैंने आज कहा है वहां के सुपरिटेंडेंट को और सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन को और प्राचार्य महोदय को कि आप वर्कआउट करो कि SMS हॉस्पिटल को हम फ्री कर सकें, वहां के वार्डों को इस पर भी एक बार आप वर्कआउट कर लो, ताकि जो अन्य बीमारियों की इलाज कराने वाले लोग आते हैं, जो डरे हुए हैं SMS अस्पताल आने से, उनको ये सुविधा